जज़ाकअल्लाह। ये थे इब्ने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, उस्ताद जामिया दारुल कराची, उस्ताजुल हदीस, उस्ताजुल उलमा, फाजिल नौजवान, आलिम बामल, मुफ्ती इब्नुल मुफ्ती हज़रत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर अशरफ उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो तरबियत के हवाले से और दोनों निज़ामों की इफादियत और ज़रूरत के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। यकीनन आपने ये जुमला सुन रखा होगा कि जिस ज़मीन पर बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिस ज़मीन पर बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और जिस घर में दीन नहीं होता वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह मुझे और आपको अपने आने वाली नस्ल और मौजूदा नस्ल की हिफाजत दीन करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे कि पहले मुसलमान होना चाहिए, फिर बाद में जो भी चाहे वो ज़रूर होना चाहिए। कुछ अरसा कबल सुबह पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर में एक दुकान पर जाने का इत्तेफाक हुआ। रूटीन के मुताबिक वहां पर म्यूजिक लगा हुआ था, तो मैंने आगे बढ़कर सेलमैन से दरख्वास्त की कि इस म्यूजिक को बंद कर दें, हम भी बतौर ग्राहक के इस दुकान में आए हैं। तो उसने जाकर अपने जनरल मैनेजर से कहा, उसने बंद कर दिया। मैंने उससे कहा कि यहाँ पर तिलावत लगा दिया करो या नाते रसूल मकबूल लगा दिया करो, ये म्यूजिक क्यों लगाते हो, अगर कोई तिलावत हो या कोई नात पड़ी हो तो वो लगा दो। तो वो जीएम हमारे पास आया और कहने लगा कि मौली साहब, अगर हम अपनी दुकान में कुरान करीम की तिलावत लगाएंगे या नाते रसूल मकबूल लगाएंगे तो हमारी सेल नहीं होगी, हमारी बिक्री नहीं होगी, हमारा माल फरोख्त नहीं होगा। ये कहने वाला किसी यूरोपियन कंट्री का बाशिंदा सिटीजन नहीं था, ये इस्लाम पर, इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया मुल्क उसका रहने वाला एक मुसलमान शख्स ये जवाब दे रहा है। यकीनन इसी पर आप कयास कर लीजिए कि क्या माहौल बनता चला जा रहा है। मदारिस का मौजू क्या है, मदारिस का मकसद क्या है, मदारिस की गर्ज़ असली क्या है, मदारिस किस चीज का नाम है। शहीद इस्लाम हजरत मौलाना यूसुफ दुत्तहानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मदरसे का मौजू तालिबे इल्मों की तरबियत है, लोगों की तरबियत है, ये मदारिस तरबियत गाहें हैं। वो फरमाते हैं कि हम जाने या ना जाने, माने या ना माने, लेकिन हमारा मादरे इल्मी दारुल उलूम देवबंद अंग्रेज जानता था कि ये मुसलमानों की तरबियत गाहें हैं। वो वाकिया सुनाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि सुबह पंजाब के एक मामूली सी बस्ती में, एक छोटे से गांव में एक मदरसा रशीदिया कायम था, जिसकी कोई इमारत बिना थी, कच्चा फर्श था, कच्चे कमरे थे। कुतुबुल अख्ताब मौलाना रशी अहमद गंगोही नबरअल्लाहु मरकज़हू के खलीफा मजाज हाफिज मोहम्मद साले मरहूम ने वो मदरसा कायम किया था। हजरत मौलाना यूसुफ दुत्तहानवी शहीद फरमाते हैं कि मैंने जिनसे कुरान करीम पढ़ा वो उस मदरसे से पढ़कर आए थे, अजीब व गरीब वाकियात बयान किया करते थे। शहर से बहुत दूर था, मामूली सी छोटी सी बस्ती थी, गांव था। तलबा 15-15 मील पैदल जाकर रोटी लोगों के घरों से मांग कर लाते थे। बर्रे सगीर तकसीम नहीं हुआ था, बरतानिया की अंग्रेजों की एक जमात बर्रे सगीर के दौरे पर निकली, चलते चलते सुबह पंजाब के उस मामूली बस्ती मदरसा रशीदिया में जाना हुआ, उसका विजिट किया, दौरा किया और वापस जाकर बरतानिया में रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में दर्ज है कि हम
بر صغیر کے صوبہ پنجاب کے ایک معمولی سے بستی مدرسہ رشیدیہ کا وزٹ اور دورہ کر کر آئے ہیں۔ اس کو دیکھ کر ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر اسلام کے پہلوان تیار ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، وہاں اسلام کے سپاہی تیار کیے جا رہے ہیں، اور ہمارا یہ تجزیہ ہے کہ اگر بر صغیر میں اس طرح کے مدارس پھیل گئے تو مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ در حقیقت یہ دینی مدارس دین محمدی کے سپاہی تیار کرتے ہیں، یہ انسانوں کی تربیت گاہیں ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے تربیت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں ملتمس ہوں ممتاز علمی شخصیت، عظیم اسلامی سکالر، ہمارے حضرات اکابر کے صحبت یافتہ، فیض یافتہ، محترم و مکرم جناب احمد جاوید صاحب حفظہ اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ممتاز علمی شخصیت جناب احمد جاوید صاحب حفظہ اللہ۔